हेलो फ्रेंड्स, साइसिस्टी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। टेबल्स बनाने से पहले हम डेटाबेस डिजाइन के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले, जब भी आप किसी टेबल का फील्ड नाम रखें, वो ऐसा हो कि आपको समझ आ जाए और उससे टेबल से रिलेटेड नाम हो। उसके पश्चात यदि जब आप नाम रख रहे हैं तो ट्राई ये करें कि उनमें किसी भी तरह का स्पेस ना पाए। आप एक्सेस में स्पेस दे सकते हैं, लेकिन स्पेस देने से आपको, यदि आप कोडिंग करना जानते हैं तो एसक्यूएल कमांड्स या कोडिंग करने में आपको समस्या आ सकती है, इसीलिए ट्राई करें आप स्पेस मत दें। इसके अतिरिक्त ये देखें, तीनों नाम मेरे पास तीनों ही वैलिड नाम है, जैसे फर्स्ट नेम जो है स्पेस के साथ। और अगर आप स्पेस ना दें, उसका हल ये है कि आप जहां से आपका स्पेस आ रहा है वहां से आप पहले वर्ड को बड़ा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप स्पेस की जगह पे अंडरस्कोर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जरूरी है कि आप जो नाम दें अपनी फील्ड का, उसका नाम नेम मत हो। जैसे किसी कैंडिडेट का नाम रखना है या एम्प्लॉय का नेम आपको पिक करना है, तो उसके लिए नेम वर्ड मत यूज करें, क्योंकि नेम जो वर्ड है वो एक कीवर्ड है और एमएस एक्सेस में वो रिजर्व्ड है। जब भी आप इंफॉर्मेशन लें तो उस इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में एक्सेप्ट करें। जैसे कि एक फील्ड हमारे पास यहाँ है एड्रेस, इसमें इंफॉर्मेशन जो ली गई है 202 नंबर है, न्यू स्ट्रीट करनाल हरियाणा और इंडिया। ये ठीक तरीका है, इसमें आप एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर यही एड्रेस हमारे पास स्मॉलर पार्ट्स की फील्ड्स में अवेलेबल है, जैसे हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री, तो इसमें भी ये स्टोर किया जा सकता है। दूसरे तरीके, यानी कि इस तरीके का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कभी भी अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी है तो आप उसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि करनाल से मेरे कितने एम्प्लॉयज बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर मैं इस एड्रेस के आधार पर इसको ढूंढूंगा तो मुश्किल हो जाएगा एक्सेस को समझना। और यही चीज अगर मैं इन फील्ड्स के आधार पर ढूंढता हूं तो एक्सेस बड़ी आसानी से मुझे आउटपुट प्रदान करेगा। जब हम इंफॉर्मेशन रखते हैं तो जरूरी है कि जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो एक टेबल में रहे, उसको अलग अलग पार्ट्स में मत डिवाइड कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट पर्सनल इन्फो का एक टेबल का एग्जाम्पल मेरे पास है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एड्रेस, और एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें रोल नंबर और सब्जेक्ट है। क्योंकि इंफॉर्मेशन आपस में रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको एक स्टूडेंट नाम का तीसरा टेबल बनाता हूं, जिसमें दोनों टेबल्स की फील्ड्स इकट्ठी कर देता हूं। इससे लाभ ये होगा कि आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे स्टोर होगी, जिससे एक्सेस को भी समझने में आसानी होगी और आपको भी आउटपुट जल्दी से जल्दी मिल पाएगा और आपको रीडेबिलिटी भी आसान हो जाएगी पूरी टेबल की। डेटाबेस डिजाइन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइमरी की। प्राइमरी की उस फील्ड को कहते हैं जो फील्ड आपकी सभी रोज को डिफ्रेंशिएट करे। प्राइमरी की खास बात यह है कि आप इसमें किसी भी वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकते और उसकी सेल वैल्यू को खाली भी नहीं छोड़ सकते। यदि अब यहां ध्यान दे तो मेरे पास टेबल है, इस टेबल में रोल नंबर, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम तीन फील्ड अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास जो क्लास में दो बच्चे हैं अमित नाम के और दोनों का लास्ट नेम कुमार है। अगर मैं रोल नंबर यहाँ यानी कि प्राइमरी की ना लगाऊं तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि कौन सा अमित है जिससे मैं बात करना चाहता हूं या कौन सा अमित है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जबकि रोल नंबर से स्पेसिफाई करना आसान हो जाता है, इसलिए प्राइमरी की जरूरी है यहाँ पे देनी। तो इस तरह से यदि आप प्राइमरी की देते हैं तो इससे आपकी सभी जो रोज होती हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं एक दूसरे से और आपकी सभी रोज यूनिक रहती हैं। हमारे पास एक टेबल है जिसमें सेल दिखाई गई है मार्च मंथ की, जिसमें प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट का नाम, कितनी सेल हुई, किस डीलर को माल बेचा गया और डीलर कौन से शहर से बिलोंग करता है, ये इंफॉर्मेशन मेरे पास इस टेबल में स्टोर है। यदि आप ध्यान से देखें तो इस टेबल में काफी सारा डेटा जो है रिपीट होता जा रहा है, बार बार हमें उसी डेटा को टाइप करना पड़ रहा है, जिससे मैं स्पेस को बिना वजह ही असाइन करता जा रहा हूं, जिससे कि बिना वजह ही एक ही वैल्यू को आपको बार बार टाइप करना पड़ रहा है और वो कंप्यूटर में अपना स्पेस भी घेर रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो प्रोडक्ट आईडी 1001 है, 1001 है, उसमें प्रोडक्ट का नाम शुगर है और उसकी सेल है 2000 रुपए की, जिसमें डीलर टीबीजेड एंड कंपनी को हमने दिल्ली में माल बेचा है। यदि आप ध्यान दें तो जैसे ही जो 1002 नंबर का प्रोडक्ट आईडी घी भेजता हूं जब मैं,
तो वो टीबीजेड कंपनी का डेटा मुझे दोबारा फिल करना पड़ता है, साथ ही उसका शहर भी दोबारा फिल करना पड़ता है। इसी तरह से यदि मैं ध्यान दूं तो मेरे पास यहाँ केन एंड कंपनी है करनाल की, ये भी बार बार मुझे इसका डेटा भरना पड़ता है। तो जब भी मैं इसको माल बेचता हूं तो इसकी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ भरनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ भी आप देखें तो मुझे जब भी सेल होती है शुगर की तो शुगर लिखना जरूरी हो जाता है, और जितनी बार मुझे सेल करनी पड़ेगी हर बार मुझे शुगर वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो बिना वजह मेरे हर एक डेटा को रिपीट करना पड़ रहा है। ऐसी समस्या से बचने के लिए हम रिपीटेड डेटा को अलग टेबल्स में स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ एक समस्या और भी आती है, मान लीजिए मुझे किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है तो उसके लिए मुझे हर एक जगह चेंजेस करना पड़ेगा, हर एक जगह चेंज करना पड़ेगा। जितनी बार भी वो रिकॉर्ड आया है और जितनी बार वो रिकॉर्ड रिपीट हुआ है मुझे हर बार उसमें बदलाव करना पड़ेगा। मान लीजिए टीबी जेड एंड कंपनी अपना जो शहर है वहां से डिस्ट्रीब्यूटरशिप बदल के किसी दूसरे शहर में दे देती है और वहां भी माल हमसे परचेज करती है, अब की बार मेरे पास ये समस्या आएगी कि मुझे हर जगह वो नाम दोबारा टाइप करना पड़ेगा। मान लीजिए दिल्ली से शहर बदल के राजपुरा हो जाता है तो मुझे यहाँ पहली जहां एंट्री में, उसके पश्चात टीवी जेड कंपनी की यहाँ एंट्री पे, और उसके अलावा जहां जहां भी ये एंट्री दोबारा हुई है मुझे हर जगह जाके राजपुरा टाइप करना पड़ेगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और जिससे समस्याएं भी आएंगी। इसके अतिरिक्त आप ये इंफॉर्मेशन भी खो देंगे इस टेबल में से कि आपकी ये कंपनी दिल्ली में स्थित थी। तो इस तरह से कुछ समस्याएं आपके पास आती हैं। इसके अलावा यदि आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, किसी रिकॉर्ड को, मान लीजिए मैं इस 1002 प्रोडक्ट आईडी जो है इसको डिलीट करना चाहता हूं जिसमें घी की इंफॉर्मेशन स्टोर है, ना चाहते हुए भी आपको केन एंड कंपनी करनाल की इंफॉर्मेशन भी साथ में डिलीट करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये रिकॉर्ड आपका डिलीट नहीं हो पाएगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो इस तरह से आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी। ऐसी समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास हल है कि हम एक बड़े टेबल को जिसमें इंफॉर्मेशन रिपीट होती है कुछ छोटे टेबल्स में बांट दिया जाए। जैसे मेरे पास ये उदाहरण उपलब्ध है, जिस बड़े टेबल की बात हम कर रहे हैं उसमें सबसे पहला सेगमेंट हमारा प्रोडक्ट का और प्रोडक्ट का नाम है, इसको मैंने अलग से एक छोटे टेबल में स्टोर कर दिया है जिसमें प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट का नाम दो चीजें स्टोर की हैं। इसी तरह से मैंने डीलर का नाम और डीलर का शहर एक अलग से टेबल में स्टोर कर दिया है जिसमें अलग से एक फील्ड ऐड की गई है डीलर आईडी। हर एक डीलर आईडी एक अलग डीलर को रिप्रेजेंट करती है, और इसी के आधार पर यदि आप देखें तो एक तीसरा टेबल भी बनाया गया है जो सेल को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें बिल नंबर यानी कि जो सेल की गई है जिस बिल नंबर से, उसके अलावा सेल कितनी की गई है। और यहाँ पे हमने फॉरेन की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए प्रोडक्ट आईडी को यहाँ प्रयोग किया गया है जिससे ये वाला टेबल इस वाले टेबल से रिलेट हो जाएगा। और इसी तरह से डीलर आईडी की इंफॉर्मेशन भी यहाँ रखी गई है जिससे आप इस इंफॉर्मेशन को डीलर वाले टेबल से रिलेट कर सकते हैं। इस तरह से आप बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टेबल्स में बांट के सुनियोजित तरीके से रख सकते हैं। और जब भी हम टेबल बनाते हैं तो ये मुख्य चीजें रहती हैं जिसका हमें ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। इन चीजों का ध्यान रखें हम अपने टेबल्स में कंसिस्टेंसी ला सकते हैं, डेटा को ढंग से रख सकते, और उसके लिए हमें चेंजेस करने में या ऐड करने में डेटा या डिलीट करने में किसी भी प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।